हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो कैसे हो आप सब एलिवेशन को अच्छा बनाने के लिए ना मेन गेट हो गया रेलिंग का डिज़ाइन हो गया या फिर आपने कोई जाली लगाई हो तो उसका डिज़ाइन हो गया ये तीनों फैक्टर्स ना आपकी एलिवेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं तो साथ साथ बहुत गंदा भी अगर आपने सही मटीरियल और सही लुक चूज़ नहीं की हो किसी भी एलिवेशन के लिए ना किसी भी एलिमेंट का लुक और बजट बहुत मैटर करता है लुक जो देखने में अच्छा लगे बजट जो आपके पॉकेट में इजिली फिट हो जाए तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि लुक के साथ साथ बजट फ्रेंडली मटेरियल यानी कि एमएस माइल्ड स्टील में आप कैसे इन तीनों चीजों को अचीव कर सकते हो क्या क्या फैक्टर्स हैं हम डिज़ाइंस हो गए लुक हो गई हर एक चीज में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं दस मिनट में ना आप एमएस की आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो 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 चैनल को को सब्सक्राइब करके जरूर तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टील हमें कितना करता है अब से जो तीन एम एम चार एमएम साइज में अवेलेबल है डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज के लिए चाहिए उस पर्प के अकॉर्डिंग हम एम एस के थिकनेस को डिसाइड करते हैं सेकेंड आते हैं एम एस के पाइप अब जो ये पाइप है ये हॉलो पाइप होते हैं अंदर से इन पाइप के भी अपने अपने साइजेस आते हैं ढाई बाई पाँच ढाई बाई छ चार बाई पाँच तो, तो ऐसे ना एम एस के जो साइजेस हैं वो भी मार्केट में आते हैं अब जो जो एम एस है ना वो हमेशा के जी में मेजर होता है तो जिसकी रेट लिस्ट है वो आपको हमेशा के जीज में मिलेगी अगर आपका जो एम एस की शीट है वो दो से तीन एम एम की है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड फोर्टी टू फोर्टी फाइव रुपीज पर के जी जो भी शीट का साइज़ होगा चार बाय आठ की शीट है जितने भी कई पर पाँच बाई दस की शीट भी अवेलेबल होती है तो शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको तोला जाएगा एंड पर के जी जो होगा वो फोर्टी से फोर्टी फाइव रुपीज़ होगा एंड अगर जो आपकी एम एस की शीट की थिकनेस है वो फाइव टू सिक्स एम एम की है जो शीट का प्राइस है वो पाँच से दस रुपये बढ़ जाता है एंड ऐसे ही पाइप के साथ जो पाइप होते हैं वो हमेशा हॉलो होते हैं तो उनको भी हमेशा पर के जी में ही मेज़र किया जाता है तो ये आपको पर के जी पड़ता है अराउंड वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी रुपीज पर के तो ऐसे आपका जो एम एस है वो के में आपको मिलेगा अब ये बिल्कुल रॉ एमएस होगा इस पर कुछ भी हमने अभी वर्क नहीं किया अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनवाते हो सपोज आपने बनवाया है गेट अगर गेट सिंपल है सिर्फ आपने रॉड्स लगाई हुई है एमएस की तो ये आपको कॉस्ट करेगा वन सिक्सटी रुपीज पर इसके अंदर कोई डिज़ाइन चार्ज तो है नहीं इसमें सिर्फ आपने वेल्डिंग करके साथ में जोड़ा हुआ है तो इस केस में जो लेबर के चार्जेस होते हैं वो दस से पंद्रह रुपए होते हैं पर राइफिट अगर आपका जो एम एस का गेट है वो कुछ इस टाइप का जहाँ पे आपने सी कटिंग कराई हुई है एमएस की 3 mm की शीट लेके उसको सीएनसी कट कराया हो तो इस केस में जो आपकी एमएस की प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपको सिर्फ शीट की कटिंग अभी कुछ आपने ग्राइंडिंग नहीं करी है कुछ आपने वेल्डिंग नहीं करी है सिर्फ शीट की कॉस्ट ही आपको यहाँ पड़ेगी जितने भी केजी का आपका शीट होगा उसके साथ-साथ ना आपके ₹25 ऐड ऑन हो जाते हैं पर स्क्वायर फीट कटिंग के लिए इसलिए जो भी हमारी डिज़ाइनिंग होती है ना सी एन सी कटिंग में वो हमें थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ एस एस से तो उस कंपेरिजन में ये हमको हाफ रेट ही पड़ता अब जो एम एस है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी एलिवेशन के अंदर ना कोई ग्लास का, का काम या फिर कोई एच पी एल या ई पी का, का, का काम आया हुआ है तो आप अपने एम एस के गेट को ना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसके अंदर ग्लास के डिजाइंस या फिर अपने एच पी एल के डिज़ाइंस भी इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि आपका एक सिमेट्री बन जाए आपके एलिवेशन के साथ एंड आपने कई बार सुना होगा एम के अंदर न, एक of, uh, ना एक फॉर्म ऑफ डिज़ाइन है दैट इज कॉल्ड कॉटन स्टील सी ओ आर टी ई कॉटन स्टील ये क्या होता है इट्स अ काइंड ऑफ रफ आयरन जो देखने में आजकल बहुत ट्रेंडी है तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये आपको विथ फिनिशिंग के साथ पड़ता है अराउंड फोर फिफ्टी पर स्क्वायर फिट एंड सेम केस ना इसी तरह जो आपकी रेलिंग हो गई और आपके पार्टीशंस हो गए अब पार्टीशन में सपोज आपने होलो पाइप्स खड़े किए हुए हैं दैट्स इट तो ये होलो पाइप्स होते हैं ना ये हमेशा ढाई बाय पाँच इंच के ही होते हैं ढाई हमेशा आपको फ्रंट दिखाई देता है एंड पाँच आपको डेप्थ दिखाई देती है तो ये आपको कॉस्ट कस्ट करते हैं वन टू वन सिक्सटी पर केजी के के हिसाब से अब इसके अंदर ना कोई भी मैन पावर नहीं है बिकॉज सिर्फ आके आपने सिर्फ अटैच किए हुए हैं थ्रू ब्रिक वर्क तो इसके अलावा कोई और कॉस्ट यहाँ पे एड ऑन नहीं होती एंड अगेन अभी एम एस रॉ है पेंट कैसे करना वो मैं आपको आगे बताऊंगी अगर आप जाली में ही कोई सी एन सी कटिंग का वर्क देते हो या कोई जाली बनाते हो अपने पार्टीशन की जगह तो उस केस में ना अगेन आपकी जो शीट होगी पहले वो दो या तीन एम एम की होती है तो आपको शीट पर करनी पड़ेगी शीट के साथ साथ जो सी एन सी कटिंग होगी आपको उसकी कॉस्ट देनी होगी एंड हमेशा ना सी एन सी कटिंग में हमेशा फ्रेमवर्क बनता है एंड कई बार अगर आस पास पिल्लर है तो हम फ्रेमवर्क नहीं देते अगर पिलर नहीं है तो मजबूती के लिए हमें पूरा फ्रेमवर्क देना पड़ता है एमएस का तो उसकी कॉस्टिंग भी एड ऑन हो जाती है तो आपको ये एमएस करना ये वाली चीज चाली, ये आपको लगभग पड़ती है पर्सक्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ के आसपास की उसके बाद जो एम एस की रेलिंग होगी तो तो रेलिंग में आपको सी एन सी कटिंग डिजाइन कम देखने को मिलेंगे इन एम एस हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम हॉलो ट्यूब से डिज़ाइंस बनाएं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है अब एम एस को पेंट कैसे किया जाता है तो सबसे पहले जो एम एस है अभी रॉ मटीरियल है तो एम एस में ना एक प्रॉपर्टी होती है रस्टिंग प्रॉपर्टी जंक लगना बहुत ईजी है एम एस तो जंग से बचाने के लिए हम सबसे पहले एम एस के ऊपर करते हैं ऑक्सीडाइज प्राइमर का यूज़ या फिर ऑक्सी प्राइमर का यूज़ ताकि इसमें जंग ना लगे एक बार प्राइमर का फर्स्ट कोट हो गया इसके बाद हम करते हैं सैंडिंग पूरे गेट को अच्छे से रेगमाल करते हैं सेंडिंग करते हैं दो इंच या ढाई इंच के साथ एंड जहां पे जहां पे वेल्डिंग वाले जॉइंट्स होंगे वहां खास कर अच्छे से ग्राइंडिंग करते हैं ताकि लेवल स्मूद हो जाए जब आपका स्मूथ सरफेस मिल गया ना अब जो आपका एम एस है इसमें बहुत सारी खामियां होती है जहां पे भी ग्राइंडिंग जहां पे भी वेल्डिंग होगी तो वहां रफ सरफेस होगा एंड कई बार सेंटर में भी गैप्स होते हैं एंड कहीं ना कहीं दबक होती है तो इन सबको फिल करने के लिए हम यूज करते हैं पुट्टी एनसी पुट्टी यूज करते हैं पुट्टी को अच्छे से से भर लेते हैं अब जो पुट्टी है ये आपकी ग्रे कलर की भी आती है एंड व्हाइट कलर की भी आती है तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कई बार हम क्या करते हैं अगर हमें गेट को व्हाइट कलर का करना है तो हम हमेशा व्हाइट करते हैं वरना किसी और कलर का पेंट करना है तो हम हमेशा ग्रे पुट्टी यूज़ करते हैं अब जहाँ जहाँ पे भी ये डिफ्रेंसीज है वहाँ पे हम पुट्टी करते हैं देन उसको सूखने देते हैं देन अगेन उस पर हम सैंडिंग करते हैं एक बार सैंडिंग करने के बाद नाउ इट्स टर्न कि इस पर हम लगाएंगे प्राइमर अब यहाँ पर हम डीको का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं अब जो प्राइमर में थोड़ा थिक होता है तो इसके अंदर मिक्स किया जाता है इसके बाद इसके दो कोट होते हैं प्राइमर के देन इसके बाद हम पेंट के कोट करते हैं अब पेंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं आप एम एस के ऊपर या तो डी को पेंट कर सकते हैं ग्लास फिनिश मैट फिनिश, या फिर मेटालिक फिनिश या फिर आप कर सकते हैं इनामल पेंट इनामल पेंट भी अगेन ग्लास फिनिश मैट फिनिश या फिर मेटालिक फिनिश पर्सनली आई लाइक मैट फिनिश क्योंकि तो वो बहुत अच्छी रिचनेस देता है एंड अच्छा लगता है डोर बहुत महंगा डोर और बहुत अच्छा डोर लगता है एंड ध्यान रखना अगर डीको पेंट है तो वो हमेशा स्प्रे गन से होगा एंड अगर इनामल पेंट है तो हम उसको नॉर्मल पेंट ब्रश से कर लेते हैं एंड फॉर डीको पेंट आई प्रेफर कि जो डीको का पेंट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है वरना एम का पेंट काफ़ी का ज़्यादा अच्छा है फॉर इनैमल पेंट यू कैन यूज़ एशियन पेंट जो पेंट की कॉस्टिंग आती है वो आपकी लेबर की कॉस्ट होती है थर्टी रुपीज़ पर स्क्वायर फिट इसके बाद जो मटीरियल है वो आपका है अगर मैं बात करूँ विद मटीरियल ना तो विद मटीरियल आपको डी तो इशू नहीं है का आपको लुक बहुत अच्छी चाहिए, तो ऑलवेज लुक आती है जो लुक ना गाड़ियों की होती है वैसी लुक आती है आपको कॉस्टिंग भी थोड़ा से कम करनी है एंड लुक में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो उस केस में आप इनामल में जा सकते होनामल अगर नाइन्टी है तो डी को हंड्रेड है लुक में थोड़ा डिफरेंस है वाइज बट कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस है तो अगर कॉस्ट आपको अलाउ करती है तो गो विद डी को पेंट ये डिज़ाइन जो बहुत ट्रेंड करने वाले हैं आगे दो हज़ार चौबीस में विदेश शेड कोड की इस पर हमने क्या किया हुआ इनामल में आप कौन सा पेंट करा सकते हो एंड डी को में आप कौन सा पेंट करा सकते हो ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए अपने घर के लिए गेट का डिज़ाइन चूज करना एंड साथ साथ कौन सा पेंट आपको लेना चाहिए एंड पेंट पे ना हम जनरली ब्लैक ग्रे या वाइट ही यूज़ करते हैं इसके अलावा आपने कभी भी एम एस के गीत में मेन गीत किसी और कलर के नहीं देखे होंगे सो गाइड साच ऑल फॉर द वीडियो थैंक यू यूज फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा